हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पे टेंस डी एस 7-2 ए काउंटर के बारे में बताऊंगा। इस काउंटर के मैं कनेक्शन से लेकर के और प्रोग्रामिंग तक बिल्कुल सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, और वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। मैं यहाँ पे आपको टेंस डी एस 7-2 ए काउंटर के बारे में बता रहा हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग कनेक्शन। आपके पास चाहे कोई भी काउंटर हो, कनेक्शंस और उसकी प्रोग्रामिंग लगभग सारी ऐसे ही होती हैं। ओके, कुछ काउंटर्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे तो कुछ काउंटर्स में आपको थोड़े बहुत कम फीचर्स मिलेंगे। तो जो मेन चीज़ होती है कि हमारा बेसिक कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक काउंटर में और कौन कौन से पैरामीटर्स हमको सेट करने होते हैं, वो आपको आज की इस वीडियो में पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास चाहे कोई सा भी काउंटर हो, आपको कोई न्यू ब्रांड का काउंटर आ जाए या फिर किसी न्यू ब्रांड का अगर आपके पास कोई भी डिवाइस आ जाए, तो सिंपली उसका मैनुअल डाउनलोड कर लो और मैनुअल को आप लोग फॉलो करो। आप लोग उसके पैरामीटर्स, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके कनेक्शंस आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ करके मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस काउंटर के कनेक्शंस करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसके प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस DS72A काउंटर की, तो यहाँ पे देखो हमको दो डिस्प्ले मिलती हैं और ये दोनों ही डिस्प्ले, एक है आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के लिए और दूसरा है यहाँ पे आपका सेट वैल्यू के लिए। अब आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कंट्रोलर्स या फिर काउंटर्स में हमको PV और SV लिखा हुआ मिलता है। तो PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू और SV का मतलब होता है सेट वैल्यू। जो हमारा सेट वैल्यू है यानी कि जो हमारा SV है, वो हम लोग अपने काउंटर में इनपुट करते हैं। ठीक है, हम लोग वो प्रोग्रामिंग में हम लोग इसमें डालते हैं। अब मान के चलो मुझे कोई भी प्रोसेस मेरा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि जब 100 काउंट्स हो, तो 100 काउंट्स होने के बाद मेरा जो प्रोसेस है वो या तो बंद हो जाना चाहिए या फिर कुछ और हमारा हो जाना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग अपना काउंटर में एक वैल्यू डालते हैं। ओके, और वो होता है हमारा यहाँ पे सेट वैल्यू। जो भी हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे काउंटर का, वो हमारा यहाँ पे सेट वैल्यू होगा। और जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, अब हमारा मान के चलो कोई प्रोसेस चल रहा है, उस केस में जो भी हमारा प्रेजेंट काउंट होंगे वो हमको यहाँ पे इस प्रेजेंट वैल्यू में दिखेगा, ये ऊपर वाली डिस्प्ले में दिखेगा। यहाँ पे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं, एक है यहाँ पे सेट, प्रीसेट 1-2, रीसेट एंड बैक का। अब यहाँ पे रीसेट और बैक के बटन्स को ही यूज करके आप लोग अप एंड डाउन भी वैल्यूज को करोगे जब हम लोग यहाँ पे इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो। ओके, इस काउंटर में आप लोगों को एक ऑप्शन और मिल जाता है। मान के चलो आपकी पावर चली गई और यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू होगा, जो भी इसने काउंट कर रखा होगा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास कि पावर जाने के बाद क्या ये काउंटर आपकी वैल्यू को होल्ड रखेगा या फिर ये आपकी जो वैल्यू जो भी इसने काउंट कर रखी थी उसको वो रीसेट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको इस काउंटर में दो आउटपुट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग प्रॉक्सिमिटी स्विच या फिर इंक्रीमेंटल इनकोडर इनपुट भी दे सकते हो, पासवर्ड से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा, जो दो आउटपुट्स होंगे, उन आउटपुट्स को भी आपको लैच करने हैं या फिर आपको कुछ देर के लिए ऑन रखना है, वो भी आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है। यहाँ पे आप लोग 0.1 सेकंड से लेकर के और आप लोग जितना भी आपको यहाँ पे रखना हो 999.9 सेकंड तक आप लोग यहाँ पे इसको सेटिंग इसकी कर सकते हो। ओके, तो अब अगर हम लोग आ जाएं इसकी बैक साइड में, तो यहाँ पे हमको कुछ कनेक्शंस मिलते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में हमको इनपुट वोल्टेज कितना देना है और इसके जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स में कहाँ पे कौन से कनेक्शन करना है, वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पे, तो इस काउंटर को आप लोग 100 से 240 वोल्ट एसी आप लोग 50-60 हर्ट्ज इसको दोगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ओके, तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाला टर्मिनल पे आप लोग एसी सप्लाई, जो इसको काउंटर को ऑन करने के लिए जो आपको वोल्टेज देना पड़ेगा, वो यहाँ पे 3 और 4 नंबर पे देना पड़ेगा, लाइन एंड न्यूट्रल। उसके बाद 5, 6 और 7 वाला जो यहाँ पे टर्मिनल है, ये आपका 5 NO है, 6 इसका कॉमन है, जो आउट 1 लिखा हुआ है ये इसका कॉमन है, और 7 नंबर वाला इसका NC है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 8, 9, 10 में 8 कॉमन है और 9 वाला इसका आउटपुट है और 10 वाला इसका NC है। 13 नंबर यहाँ पे आप NPN सिलेक्शन अगर आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग 13 नंबर वाले पे इसको यूज कर सकते हो।
14 नंबर वाला, 14 नंबर वाला, यहाँ पे आपको प्लस 24 वोल्ट 50 मिली एम्स मिलेगा। CP1 CP2 ये आपके दो इनपुट्स हैं, यहाँ पे आप लोग कोई भी आपका लिमिट स्विच सेंसर या फिर आपका कोई पुश बटन है तो आप लोग यहाँ पे इनपुट दोगे, यानी कि आपका जो भी काउंट है उस काउंट को अप एंड डाउन काउंट करने के लिए आप लोग यहाँ इनपुट दोगे। ओके, आगे मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको। जो आपका ये 17 नंबर वाला है ये रीसेट का पॉइंट है, अगर आपको जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू है उसको अगर आपने रीसेट करना है तो आप लोग इस 17 नंबर वाले टर्मिनल पे सप्लाई दोगे। ओके, SS आउट 1 SS आउट 2 इनके बारे में भी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो तब जानेंगे। तो जो ये टर्मिनल्स हैं या फिर जो ये कनेक्टर्स हैं ये मेल फीमेल कनेक्टर्स हैं, ये आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हो इनको, और निकालने के बाद आप आराम से इनके कनेक्शन करके वापस से इनको लगा सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। तो कनेक्शन और प्रोग्रामिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट आता है तो आपको उसका मैनुअल चेक करना चाहिए। हालांकि कनेक्शन इसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कनेक्शन तो हम लोग यहाँ पे देख करके कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए मेरे को मैनुअल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इस टेंस DS72A काउंटर का मैनुअल डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस मैनुअल को ओपन करें तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम बना रखा है कि आपने किस तरीके से इसके कनेक्शंस करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो 3 और 4 नंबर वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपना AC सप्लाई, जो कि हमारा 100 से लेकर के 240 वोल्ट AC होना चाहिए। तो इसका 3 नंबर वाला टर्मिनल कौन सा है सर? तो इसका 3 नंबर वाला ये वाला है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 3 और 4 पे हम लोग 220 वोल्ट AC कनेक्ट करेंगे। ओके, जो कि मेरा यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इस कनेक्टर में जो हमारा AC 220 वोल्ट या फिर जो हमारा AC सप्लाई जो होगा वो मैंने 3 और 4 नंबर वाले इस कनेक्टर पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, हम लोग इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो ये 3 और 4 नंबर वाला है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना मैनुअल चेक करें तो मैनुअल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो आप लोग जो हमारा 14 नंबर वाला टर्मिनल है यानी कि जो हमारा 14 नंबर वाला टर्मिनल है यहाँ से हमको प्लस वोल्ट मिलेगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस वाले कनेक्टर को यहाँ पे निकालता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका सेकंड नंबर वाला जो ये वाला हमारा यहाँ पे टर्मिनल है यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस 24 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ और उस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये 2 एनो पुश बटन चाहिए होंगे, यानी कि यहाँ पे मैं एनो पुश बटन ले रहा हूँ, आपके केस में ये लिमिट स्विच सेंसर या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं क्या काम करूँगा, जो ये मेरा प्लस वोल्ट वाला यहाँ पे जो ये वायर है यानी कि जो मैं यहाँ से प्लस वोल्ट लूँगा इसको मैं कनेक्ट करूँगा इन दोनों ही पुश बटन्स में। ओके, तो यहाँ पे मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले पुश बटन में हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद सेम मैं लूप बना करके यहाँ पर भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, दोनों ही पुश बटन में। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से इस स्विच के मैं कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, जो हमारा एनो पुश बटन है एनो पुश बटन में मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, यहाँ से मैंने प्लस 24 वोल्ट लिया और इन दोनों में ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इनके आउटपुट से जो वायर आएगी यानी कि जो हमारा एनो पुश बटन के यहाँ से और इस वाले टर्मिनल से जो यहाँ पे वायर आएगी उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे 15 नंबर और 16 नंबर वाले टर्मिनल पे। ओके, तो ये हमारा 14 नंबर वाला टर्मिनल है, ये इसका 15 है और ये इसका 16 है, तो एक को मैं कर दूंगा यहाँ पे कनेक्ट और दूसरी वाली वायर को मैं कर दूंगा यहाँ पे कनेक्ट। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों ही पुश बटन से हम लोग अप और डाउन दोनों ही काउंट्स कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं एक और वायर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी से इन दोनों ही वायर्स को मैं यहाँ पे दोनों पुश बटन से मैं यहाँ पे कनेक्शन इसके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। ओके, तो दोनों ही पुश बटन से जो हमारी वायर आनी थी यानी कि जो फीडबैक वायर आनी थी इन दोनों पुश बटन से तो वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है 15 और 16 नंबर वाले टर्मिनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे सिर्फ पुश बटन यूज किए हुए हैं, आपके केस में लिमिट स्विच या सेंसर कुछ भी हो सकता है। ओके, जिससे भी आप लोग यहाँ पे काउंट्स करवाने वाले हो तो मैं सिंपली इस कनेक्टर को यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर देता हूँ, बढ़िया तरीके से लगा देता हूँ और यहाँ पर भी हम लोग क्या काम करते हैं इस वाले कनेक्टर को भी मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे कनेक्टर लग गए हैं और मैंने एक बेसिक से कनेक्शन मैंने इसके कर दिए हैं जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा। और बाकी
अब यहाँ पे आपको अगर आउटपुट से कनेक्शन करने हैं तो अगर आपको यहाँ पे एक रिले के कनेक्शन आते हैं कि रिले के कनेक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं, एनओ एनसी या फिर कॉमन का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसके आउटपुट्स के भी कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो आउटपुट्स मिलेंगी और दोनों ही आउटपुट्स कब ऑन होंगी, यानी कि पहली वाली कब ऑन होंगी, दूसरी वाली कब ऑन होगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हमारा लाइन वायर है, लाइन वायर हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने कॉमन पे कनेक्ट कर दिया दोनों के, और यहाँ पे जो हमारा एनो टर्मिनल है, इन एनो टर्मिनल से हम लोग कोई भी अपनी दो आउटपुट्स को ऑन करवा सकते हैं। ओके, आप चाहो तो कोई आउटपुट ऑन करवा लो, या फिर अगर आप चाहो तो आप कोई मोटर को ऑन करवा सकते हो, आप कोई सोलनॉइड कॉइल को ऑन करवा सकते हो, चाहे वो न्यूमेटिक हो, हाइड्रोलिक हो। ओके, तो वो सोलनॉइड कॉइल होती है तो वो आप लोग ऑन करवा सकते हो, यानी कि कोई भी प्रोसेस आप लोग यहां से करवा सकते हो। बाकी यहां पे आपको एनसी टर्मिनल्स भी मिल जाते हैं तो आप लोग चाहो तो इन एनसी टर्मिनल्स को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये तो होगी कनेक्शंस की बात, तो कनेक्शंस बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। हम लोग देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की, हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इन दोनों ही पुश बटन्स को मैं यहां पे कुछ इस तरीके से यहां पे रख देता हूं। ओके, तो ताकि हम लोग इसको काउंटिंग इनकी कर पाए। तो उसके बाद अब मैं यहां पे क्या काम करता हूं, मैं सबसे पहले इसकी पावर ऑन करता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके पावर ऑन कर दी है और आपको यहाँ पे 100 और 0 दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें प्रीसेट वैल्यू और सेट वैल्यू होती है, तो मैंने यहाँ पे 100 सेट वैल्यू डाली हुई है, तो मेरा यहाँ पे सेट वैल्यू में 100 दिखा रहा है। ओके, तो जो यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू ये जब काउंट करेगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा। मान के चलो मैं यहाँ पे ये वाला पुश बटन प्रेस करता हूँ तो मैनेज में चला गया। ओके, तो ये देखो अब ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, तो ये हमको यहाँ पे पीवी में दिखेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये डाउन हो रहा है काउंट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इसके पैरामीटर्स किस तरीके से सेट करेंगे। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा से लेके आता हूँ मैनुअल पे, और यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे देखो ये है इसका प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस फॉर 2 सेकंड सेट और इस वाले आइकॉन को, यानी कि इन दोनों ही बटन्स को हमने 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों ही बटन्स को मैं 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूंगा, और उसके बाद ये कोड आ गया। तो यहाँ पे कोड क्या कह रहा है, कोड ये कह रहा है कि इंटर 162, ये इसका पासवर्ड है, तो 162 हमने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस अप वाले बटन को प्रेस करूंगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद इस वाले को मैं प्रेस करके यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, 6 सेलेक्ट करूँगा, तो ये 6 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं 1 कर दूँगा, तो ये 162 हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा। उसके बाद आउट 1 और आउट 2, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। आउट 1 अगर आप लोग यहाँ पे 0 0 रख देते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैनुअल में आपको दिख रहा होगा, आउट यहाँ पे देखो आउट 1 ड्यूरेशन फॉर लैचिंग इंटर 0.001। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी आउटपुट लैच रहे, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे सेट वैल्यू डाली हुई है या फिर जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू रहेगा वहाँ पे, अगर आपका जो काउंट है अगर वो पहुँच जाए, उसके बाद आप चाहते हो कि कोई भी आपकी आउटपुट ऑन हो, तो उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो लैच रहनी चाहिए या फिर कुछ देर के लिए ऑन होनी चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0 0 रखा हुआ है, मुझे परमानेंट लैच चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी आउटपुट लैच रहेगी। ठीक है, तो ये वापस से मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये 2 एंड यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम लोग इसको ओके करते हैं, आउटपुट 1 लैच, आउटपुट 2 भी हम लोग यहाँ पे लैच रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है हमारा कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन यहाँ पे कैलिब्रेशन जो कांस्टेंट है उसको मैं यहाँ पे 1 ही रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है आपका, अगर आप लोग यहाँ से अपना इनपुट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे डाउन जो भी आपको सेट करना हो। उसके बाद यहाँ पे एक है आपका ऑपरेटिंग मोड ऑप्शन, तो ऑपरेटिंग मोड क्या है आपका वो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिक्रीमेंट पॉइंट, आप लोग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स 0 से लेकर के 3 तक आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद काउंटिंग डायरेक्शन, काउंटिंग डायरेक्शन आपको किस तरीके से चाहिए, डायरेक्शन चाहिए अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0, तो यहाँ पे काउंटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट और अप एंड डाउन, आपको अपोजिट में चाहिए, अप एंड डाउन में चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा, अगर हम लोग नीचे आए तो ये वाला। उसके बाद अगर हम एक बार और प्रेस करें इसको, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या रखनी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट सिग्नल, तो सेलेक्ट ये कह रहा है कि अगर आपका मैकेनिकल स्विच है तो यहाँ पे आप लोग 20 हर्ट्ज सेलेक्ट करो, और यहाँ पे 2500 250, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास कि आपकी स्विचिंग स्पीड क्या रहने वाली है, तो आप लोग वो सेलेक्ट कर सकते हो।
एक बार और अगर हम लोग इसको प्रेस करें तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे आपके पास PONRES यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको मान के चलो आप चाहते हो कि भाई पावर जाने के बाद ये रीसेट हो जाए तो इसको आप लोग येस कर दो, अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको आप लोग सिंपली नो कर दो। इस बटन की हेल्प से आप लोग येस और नो कर सकते हो। एक बार और अगर हम लोग इसको प्रेस करें तो यहाँ पे आप लोग ऑफसेट इसके सेट कर सकते हो। तो ऑफसेट यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आप लोग 000 से लेकर के और 6×9 आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। प्रीसेट वन, अब यहाँ पे प्रीसेट वन में आपको प्रेजेंट वन, एब्सोल्यूट, यहाँ पे रिलेटिव और ये सारी चीज़ें आप लोग आउट वन, काउंटर, ये सब यहाँ पे आप लोग जो भी आपका प्रीसेट वन जो भी आपको सेट करना है, एब्सोल्यूट करना है या फिर रिलेटिव करना है, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका प्रोग्राम हो जाएगा एंड। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब अगर आपको मान के चलो जो आपका यहाँ पे प्रीसेट वन और टू, यानी कि जो प्रीसेट वन और टू की जो वैल्यू है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे मैनुअल में चेक करोगे तो प्रीसेट टू की वैल्यू 100 है, प्रीसेट वन की वैल्यू यहाँ पे 50 है। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। इसको आप लोग किस तरीके से चेंज करोगे, प्रीसेट के बटन को आप लोग दबा के रखो और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इस बटन को प्रेस कर दो। प्रीसेट को होल्ड रखना है और यहाँ पे इस वाले बटन को अप कर देना है तो ये प्रीसेट टू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो प्रीसेट टू की वैल्यू जो भी आपने रखनी है आप लोग यहाँ पे इसको रख सकते। मान के चलो मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको एक काम करते हैं, मैं इसको चेंज करता हूँ। ओके, तो इसको यहाँ पे मान के चलो मैं प्रीसेट वन की वैल्यू यहाँ पे 10 कर देता हूँ और उसके बाद प्रीसेट टू की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मान के चलो मैं प्रीसेट टू की वैल्यू को यहाँ पे कर देता हूँ 0। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 2 और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 0। ठीक है, तो ये डाउन नहीं आएगा और यहाँ पे ये हो गया हमारा 0। तो मैंने यहाँ पे 10 और 20 कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ सेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 20 आ गया और जो सेकंड वैल्यू है ये आ गई हमारी यहाँ पे 10। तो ये हमारा प्रीसेट 2 जो है वो 20 है, प्रीसेट 1 जो है वो हमारा 10 है। तो अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक बार प्रेस किया, दो बार किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आउटपुट 1 हमारी यहाँ पे ऑन हो गई है। ओके, तो अब मैं अगर मान के चलो दोबारा से इसको फिर से इसको प्रेस रख करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जब हमारा 20 होगा तो यहाँ पे देखो अब हमारी आउटपुट यहाँ पे ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखो अगर मुझे ये रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे क्या काम करता हूँ क्योंकि मैंने रीसेट के लिए कोई भी यहाँ पे पुश बटन वगैरह कुछ भी यूज किया नहीं। तो यहाँ पे आप लोग वापस से आ जाओ मैनुअल में और मैनुअल में देखो आप लोग कि आपका जो टर्मिनल कौन सा है रीसेट वाला, वो है 17 वाला। ओके, यानी कि ये वाला टर्मिनल है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 12 वोल्ट लेता हूँ, सेम यहाँ से मैं 12 वोल्ट ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको रीसेट कर देता हूँ। तो आप लोग देखोगे तो वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रीसेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग इसके करेंगे कनेक्शंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा किस तरीके से हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग एक काउंटर की कनेक्शंस करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ये मैंने आपको टेंस डी ए 72A काउंटर के बारे में बताया और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स कवर किए हैं ये लगभग सभी काउंटर्स में होते हैं। ओके, लगभग सभी काउंटर्स में आपको, कुछ काउंटर्स में आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, कुछ काउंटर्स में आपको थोड़े बहुत कम फीचर्स मिलते हैं, बाकी ऑप्शंस या फिर बाकी कनेक्शंस सब इसी तरीके से होते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।